उनकी उसके कमी महसूस होगी, क्योंकि बेहतरीन बड़े ऑलराउंडर मेरे हिसाब से रायगढ़ के बड़े ऑलराउंडर में उनका शुमार होता है। और सबसे बड़ा फैन नदीम का अगर कोई होगा नदीम का तो मैं हूँ, क्योंकि हमेशा उनकी बल्लेबाजी से मैंने उनकी काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हैं, उनका मैं बल्लेबाजी का मैं कायद हूँ। हिमाद जैसे आई वॉन्ट टू हैव फ्यू वर्ड्स विथ यू, कुछ कहना चाहूंगा आप सबसे पहले। मैं कैमरामैन, कल जो टूर्नामेंट हुई थी तेलंगा में उसके आप विजेता थे, यहाँ पर आपने पहला इनाम हासिल किया और बेहतरीन खेल पेश किया। आपके जो खिलाड़ी है मुंबई से आए हुए वो बेहतरीन खेल पेश करते, अर्शी नाम का एक नया तेज गेंदबाज, और उसके बाद यूसुफ, फैसल हाफिज साहब, स्वयं जैसे बड़े खिलाड़ी आए जो आपके टीम के हौसले बुलंद है। कल का टूर्नामेंट जीते, क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है आपकी इस मैच के लिए? थैंक यू एमजे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये टीम पूरी यंगस्टर्स की टीम है, बहुत मेहनत हम लोग ने की है इस टीम को बनाने के लिए, और जो बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं डेली, और उस हिसाब से वो यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस भी बताते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है साहिम देशमुख से, यूसुफ, अरीब, अर्शी से, यंग है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा गेम बताएंगे और शायकीन का दिल जीतेंगे यहाँ पर। शुक्रिया जिमाद, ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम। चलो चलते हैं इस मैदान की तरफ, एक बेहतरीन टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला जिसकी इसका टॉस मसला ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। फील्डिंग की सजावट, एक विकेट कीपर, एक शॉर्ट पॉइंट, श्रीवर्धन की टीम यहाँ आई है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो मैदान के अंदर बैठे हैं उन तमाम खिलाड़ियों से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा या तो बाहर बैठे या स्टेडियम में चले आए। श्रीवर्धन के कुछ खिलाड़ी वहां पर बैठे हुए के कल बोरली में टूर्नामेंट हुआ था उसके रनरअप है, जो खिलाड़ी आए मैदान के अंदर से गुजारिश। बीच पहली गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ आती हुई बैकफुट पर जाकर अरीब ने दिफाई अंदाज से किया, जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील करते एक रन आसानी से हासिल किया। इरशाद जो नदीम के भाई है वो भी बेहतरीन खेल पेश करते हैं और बेहतरीन क्रिकेट की टेनिस क्रिकेट के में उनका नाम है, एक बेहतरीन खिलाड़ी। और उनके सामने अब जो स्ट्राइक पर है यूसुफ, यूसुफ भी अपने तारुफ का मोहताज नहीं है, ये एक बड़ा खिलाड़ी। दो बड़े खिलाड़ियों के बीच अब मुकाबला देखने मिलेगा, गेंद और बल्ले के बीच चूहे और बिल्ली का मुकाबला, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये कौन चैंपियन ठहरेगा, ये आने वाला वक्त है। तो पहला दिन है, अब तो शुरुआत है। ईश्वर की दूसरी गेंद लेकर हमसे दूर भागते हुए और फुल टॉस गेंद, उसे बेहतरीन तेज शॉट लगा, उसके पीछे दो फील्डर, उसका पीछा करते गेंदबाज में पार करके चार रन, बंदूक की रफ्तार से गेंद बॉलर पार करके चार रन, सही तकनीक से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और खेल गए दो खिलाड़ियों के बीच से। यकीनन सही रणनीति और सही तकनीक के साथ ये खिलाड़ी मैदान पर उतरा है। कल का जोश और कल का हौसला, जो हौसला और जोश उन्होंने तेलंगा में दिखाया था वही हौसला और जोश यहां बरकरार रखा है। इन चार रनों के साथ उनके टीम का स्कोर पहुंचा पांच रन। पहले ओवर की दो गेंदें हो चुकी है, तीसरी गेंद लेकर इरशाद कुछ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, वो जानते इस विकेट को, ये बल्लेबाज कितना बड़ा बल्लेबाज है, कितना बड़ा खिलाड़ी है यूसुफ, जितना ज्यादा खेलेगा उतना परेशानी में डाल सकता है मसला को। लेकिन मसला के पास भी अच्छे चतुर गेंदबाज है, चालाक गेंदबाज है, तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ के शायकीन को देखने मिलेगा। बैकफुट पर जाकर बेहतरीन अंदाज में गेंद की थी यहाँ पर, और उसको डिफेंसिव गेंद अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया, यही एक बड़े गेंदबाज की निशानी होती, कभी अपनी गेंद की रफ्तार को बढ़ाते हैं तो कभी धीमा कर देते हैं। सही क्रिकेट अपने तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल करता हुआ यह खिलाड़ी इरशाद इस चौका जरूर लगाए थे, लेकिन अच्छा कम बैक इस ओवर में तीसरी मरतबा इरशाद हमसे दूर भागते हुए बेहतरीन गेंद। LBW की जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, हम पर जरूर गीते पर उसका कोई असर नहीं, लेग बाइस के रूप में एक रन, एक रन, रन कैसे भी आए माने रखते हैं, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा छह रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ विल का स्कोर छह रन बिगड़ किसी विकेट के, अब स्ट्राइक पर है अरीब, अरीब के लिए फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए गेंदबाज, क्योंकि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और
अच्छा कॉम्बिनेशन बाएं और दाएं हाथ का। इस बीच बेहतरीन यहाँ पर गेंद गिरने के बाद और बाहर जाते हुए अंपायर जरूर ने अपनी दोनों बाएं फैलाकर उसे वाइट करार दिया। एक सांस के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 7 रन पहले ओवर में महदूद, और क्रिकेट में सबसे खराब गेंद वाइड। अपने रनअप से चुके एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए आपको बता दूं कि सुबह के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता शायकीन की तादाद में इजाफा होता हुआ, क्योंकि मैं ये टूर्नामेंट की बात करूं खासकर, क्योंकि इतने टूर्नामेंट्स होते हैं लेकिन जो मैनेजमेंट है जिस अंदाज से इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के पहले मैदान अच्छा बनाते हैं। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद, ऊंचा खेल है, कैच होने का खतरा, इस गेंद का फायदा नहीं उठा सके लेकिन फील्डर वहां कैच करने में नाकाम रहे। बाकी का ये 2 रन हासिल किए, अच्छी रनिंग बिटवीन, तीसरा रन लेना चाहते थे, मना किया अरीब ने, बिल्कुल सही फैसला, नहीं तो रन आउट हो सकते थे। वाकई में कैचेस आपको पकड़ने होते कि मैच जीतना है तो, क्योंकि कहा जाता है कि पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 1 to go 1 to go 9 रन। ईश्वर की आखिरी गेंद लेकर शॉर्ट पिच गेंद बेहतरीन अंदाज से खेला, पुल किया गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रन जहां पर 4 रन, अच्छी कोशिश जरूर की थी, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करता हुआ ये चमकता हुआ सितारा लोअर दिल के टेनिस क्रिकेट का अपने चमक को दिखाता हुआ इस मैदान पर, जो एक ऐतिहासिक इस तारीखी मैदान पर अपने बल्लेबाजी के जोहर दिखाता हुआ और उनका साथ मिलता हुआ उनके तजुर्बाकार खिलाड़ी यूसुफ का। इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी विकेट के। यहाँ पर पहला ओवर में 13 रन बने, जिया भाई क्या कहना चाहेंगे, ये पहला ओवर यहाँ पे पिच जो है टारगेट जो है 60 के बाहर अगर है ना, कितना टारगेट होना चाहिए अगर लोअर तो ये मैच जीतना चाहिए, अगर कोई मसला है मैच जीतना तो कितने रनों तक उन्हें रोकना होगा। मसला को अगर इस मैच में जीतना है तो 50-55 रन में उनको रोकना पड़ेगा, 60 और 70 रन थोड़ा टफ है यकीनन, क्योंकि क्रिकेट में अगर पिच कैसी भी हो, बल्लेबाजों के साजगार भी हो, तो अगर टारगेट जितना बड़ा होता है तो उतनी मुश्किलात खड़ी करते, लेकिन दोनों भी टीमें काफी मजबूत हैं और क्रिकेट जो खेल है उनके रग रग में बसा हुआ है, क्रिकेट यानी अच्छी तरह से खेलते हैं और इस खेल के ये बेहतरीन खिलाड़ी ही में से एक खिलाड़ी है, दोनों टीमों के खिलाड़ी, और इसमें ये मैदान पर जीत के लिए जद्दोजहद करते हुए लड़ते हुए कोशिश करते हुए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विकेट फील्डिंग की जमावट में विकेट बता दो, एक स्लिप पर खुद का विकेट कीपर खुद कप्तान, इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉप गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इनक्रेडिबल शॉट फ्रॉम दिस ग्रेट बैट्समैन, व्हाट एन एक्सीलेंट शॉट फ्रॉम दिस बैट्समैन, ही वेंट ऑन द बैक फुट एंड इट्स ओवर द मिड विकेट फॉर अ सिक्स। He was waiting for this delivery and he got the advantage of this. What a cricket he is playing here. He is in great form and no bowler is going to stop him. The way he is playing here, he is not allowing any bowler to get settled down against him. क्या बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज यूसुफ, इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन। तीस दहशत आणि तो धरा घेऊन आलेला आहे तो यूसुफ, पहिल्यांदा मध्ये ज्या पद्धतीने त्यांनी फलंदाजी केली होती, प्रत्येक गोलंदाजावर आक्रमकता त्यांनी आक्रमक फलंदाजी केली होती, अक्षरशः तुटून पडला दहशत आणि तो बरा घेऊन यूसुफ पुन्हा एकदा उंचाचा फटका मारला पोहोचला, जेवायची शक्यता आपण केलो सरंजात सीमाच्या पार, अतिशय सुरेख असा फटका 4 धावा। काय फलंदाजी करतायत लोकांचा स्टार खेळाडू हा चमचमता सितारा आपली चमक दाखवताना झूच्या ऐतिहासिक मैदानावर। धाव संख्या दोन होते, धाव संख्या होती ती 23, अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी, दोन्ही फलंदाज आक्रमक पवित्रा घेतलाय, अक्षरशः तुफानी फलंदाजी करताना फलंदाजी आपली चमक दाखवताना, आणि का ते तेलंगणामध्ये चॅम्पियन झाले, का ते तेलंगणामध्ये विजयी झाले हे सिद्ध करताना या मैदानावर।
मैं तो यूसुफ से कहना चाहूंगा कि तू हौसले को बुलंद कर, तू हौसले को बुलंद कर, तू अकेला ही चल मंदिर की तरफ, राह आगे जाकर राह तो निकल, आएंगे तेरे साथ काफले जुड़ जाएंगे। क्षेत्र रक्षण एक यश रक्षक, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, पुन्हा एकदा सज्ज होतो गोलंदाज पंचाच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करण्याचा युसुफला, युसुफला युसुफ त्या तडेला प्रयत्न करतो, चेंडू खाली लेगिस्तानच्या बाहेर जातो, पंच यस इट इज वाईड असं घोषित करतात आणि एक धाव अवंतर धावसंख्या, धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते ती 24। अतिशय सुरेख फलंदाजी, नक्कीच युसुफचा उत्साह वाढलेला आहे आणि उंचावलेला उत्साह आहे, अक्षरशः तटून पडलेला तो गोलंदाज, गोलंदाजी पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतो धोनी संघ, बलाढ्य संघ, धोनी संघ नावाजलेला संघ आहे, धोनी संघामध्ये जिद्द आहे, पाहूया कोणता संघ विजयी होते, येणारी वेळ नक्कीच सांगेल, पण स्पर्धा रन दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी रॉक होणार हे नक्कीच 100%, कारण आयोजक भव्य भव्य आणि लाजवाब आयोजन, पुन्हा एकदा सज्ज होते पंचा उजवा पुढच्या पुढे चेंडू त्याला तटवतो, तो ऑनसाईडच्या दिशेने एक धाव मिळते, एकच धाव, एका धावर समाधान मानावं लागेल, एक धावसंख्या, धावसंख्या वाढ होते, धावसंख्या होती ती 25। दुसऱ्या षटकाच्या मध्यंतरी अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी धोनी सलामीचा, फलंदाज कोणत्या प्रत्येक गोलंदाजावर आक्रमण करताना दिसत आहे, अतिशय सुरेख असा अशी अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना, चांगली रणनीती, चांगली योजना, एक योजनाबद्ध खेळी करताना धोनी फलंदाज, अतिशय वातावरण तापले, जसा सूर्य तापला आहे तसा वातावरण इथे तापलेला आहे, धोनी फलंदाज आक्रमक फलंदाजी करताना या ऐतिहासिक मैदान, पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते पंचाच्या डाव्या गोलंदाजीकडे, पुलटा फलंदाज उंचाचा फटका मारलाय, चेंडू चालत जातोय सीमाच्याकडे आणि चेंडू येणार सीमाच्या पार, चकार, काय खेळ चाललाय, अतिशय सुरेख असा खेळ, एक नव्या नौका फलंदाज अरिब आपल्या गुणवत्ता दाखवताना आणि त्याचे खेळाडू, त्याच्या संघाचे खेळाडू टाळ्या वाजवून त्याचे कौतुक करताना, एक जिद्द आहे या नौक्या फलंदाजामध्ये आणि या चार धावसंख्या, धावसंख्या जपाजप वाटत आहे, धावसंख्या होत आहे ती 30, 29 धावसंख्या, तिसरं षटक चालू आहे, दुसरं षटक शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक आहे, दुसरा षटक चालू आहे, काय फलंदाजी चालले, अतिशय सुरेख असे फलंदाजी करताना दोन्ही फलंदाज, नाणेफेकीचा कौल बसल्याच्या बाजूला इथं प्रथम फलंदाजी करता, पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते पंधरा डाव्यामध्ये गोलंदाजी करणार, अरिबला पुन्हा एकदा फुलटा पद्धत चेंडू, अतिशय सुरेख असा फटका मारला तो अरिब याने, अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षक, पण चार धावा क्षेत्ररक्षकाला, इथं कौन चेंडू जातोय सीमाच्या बाहेर, चार धावा, काय फलंदाजी करताना आपल्या दमदार फलंदाजी जोरावर आपल्या संघाला एक मोठ्या आव्हानाकडे नेताना, धावसंख्या 33, तेलंग इथे स्पर्धा झाली, त्याचे विजेता संघ आम्ही विजेता का आहोत पुन्हा एकदा सिद्ध करताना जुईच्या ऐतिहासिक मैदानावर, एक दमदार खेळी खेळताना अरिब त्याला साथ लाभली, त्याच्या फलंदाज त्याचा सलामीचा फलंदाज जोडीदार युसुफ, अतिशय उंचाचा फटका, पण यावेळी फटका बसतोय क्षेत्ररक्षक कार्यकर्ता पण झेल सुटतो आणि जेव्हा जेव्हा झेल सुटतो तेव्हा फलंदाजाचा आत्मविश्वास दुणावतो आणि दुणावलेला आत्मविश्वासाने तो अक्षरशः गोलंदाजावर तुटून पडतो, पाहूया झेल किती मागडं ठरेल ती येणारी वेळ नक्कीच सांगेल। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या ती 34। मैं एक दोन अंपायर से गुजारिश करूंगा कि मैच जल्द से शुरू करें, यहां पर कोई रुकावट न पैदा करें, आजिया यहां पर दो और के एग्जाम्पल मेरे साथी यहां पर समालोचक है जिया पलोकर साहब, उन्होंने मुझे यहां पर बुलाया, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। कहना चाहूंगे दो ओवर पहले ओवर में 13 आए थे,
दो ओवर के इकतम पर रन बनाए 34 रन। 17 के अवसर से जाते हैं, आपने कहा था कि यहाँ पर 50 या 55 पर रोकना होगा, लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 या 55 पर रोकना तो मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे? बैटिंग ऐसी कर रहे हैं जैसा अभी ऐसा लग रहा है कि शायद 80-90 रन होंगे यहाँ पर, और वो काफी मुश्किल साबित होगा। फिर भी बोल नहीं सकते, अचानक विकेट अगर ले ले मसला के बॉलर्स तो रोक सकते हैं 60 और 70 रन में। शुक्रिया जिया, एक अच्छे क्रिकेटर जिया, उनको भी तजुर्बा है तो वो जानते हैं कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और अपने तजुर्बे के मुताबिक यहाँ पर बताते हुए इस बीच बेहतरीन अंदाज से खेला, अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया, खेला ऑन साइड की दिशा में, एक रन मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 35 रन। तीसरे की पहली गेंद एक हरफन मौला खिलाड़ी मसला की जानिब से, एक बड़े खिलाड़ी और लोहरतुल की जानिब से यूसुफ, नए उभरते हुए खिलाड़ी अरीब के साथ अपनी टीम की नैया को पार करते हुए इस ओवर में दूसरी मरतबा, तीसरे ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, दूसरी गेंद लेकर इरशाद बिल्कुल तैयार, इस ओवर में दूसरी मरतबा अंपायर के दाएं बाएं बाजू से दौड़ना शुरू किया। इस बीच यॉर्कर लेन की गेंद, बेहतरीन गेंद होती है यॉर्कर लेन की, सटीक लाइन और लेन से गेंद की, एक रन मिलेगा, मुश्किलात में जरूर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मसला के टीम के कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है, तुम्हारी कश्ती तूफान में जरूर फंसी हुई है, लेकिन तूफान में लड़ने वाले को ही बहादुर कहते हैं, बहादुरी की तरह लड़ो और इस मैच को ऐसा मैच यादगार बनाओ, चाहे कौन सी भी टीम जीते कौन सी भी टीम हारे, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों को जीतना होगा। इस बीच इस बार अच्छी गेंद, मैंने पहले कहा था कि इरशाद एक बेहतरीन गेंदबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर, तजुर्बा है उनके पास, उन्होंने देखा कि किस तरह की बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहे हैं, उसके हिसाब से गेंदबाजी करते हुए सही रणनीति, सही सोच, सही प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करते हुए इरशाद कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इस रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 37 रन। और इस ओवर की खास बात, और क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, कितनी चालाकी के और मुस्तैदी के साथ दौड़ते हुए, थोड़े से सुस्त को देखा कि फील्डर थोड़ा सुस्त पड़ गए, उसका फायदा उठाते हुए, यकीनन सही रणनीति, सही सोच, सही, और ये जो जोश है नए खिलाड़ी का पूरी तरह से इस खिलाड़ी के अंदर मौजूद, इस दोनों के साथ स्कोर पहुंचा 39 रन। और स्ट्राइक पर रहेंगे यूसुफ, काफी इस ओवर में काफी हद तक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, यॉर्कर लेन की गेंदें बहुत की है जो कि मुश्किल होती है बल्लेबाजों को खेलने के लिए। इस बीच फोर्थ गेंद और सही नसीदे की कोशिश, लेकिन ठीक ठीक बल्लेबाजी, एक रन में दूसरा रन तेजी से दौड़ते हुए, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी एक पार्ट होता है आपकी, आपको हर शोबे में अच्छा खेल दिखाना होता है, चाहे वो रनिंग बिटवीन द विकेट हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, कितनी बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, सही क्रिकेट जो कि शाइकिंग को देखने मिल रहा है। इस बीच हमसे दूर भागते हुए और 30 शॉट लगा है, जोरदार शॉट यहाँ पर, जब तक के फील्डर आकर फील्ड करें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, रन आउट होने का खतरा, और यूसुफ और अरीब में थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई, अंपायर के फैसले का इंतजार, यूसुफ आउट, एक बड़ा खिलाड़ी यूसुफ जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर, जिन्होंने कल तेलंगाना में अच्छी बल्लेबाजी की थी, रन आउट होकर वापस आते हुए, मैं तो कहना चाहूंगा कि इस कितना स्कोर 42 से, मैं तो कहना चाहूंगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा यूसुफ भाई, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, रनआउट होना इन्हें बड़ी खुशखुशी के मुतरादिफ होता है, यकीनन एक बड़े खिलाड़ी और इस वक्त रनआउट के रूप में एक बड़ा विकेट, अच्छा अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और सही सोच मसला के खिलाड़ियों की। ओवर के टर्म पर 3 ओवर के एक टर्म पर स्कोर 42 रन, तारीफ करने होगी इस गेंदबाज की, इस ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, तालियां बजाकर इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन अंदाज में इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की, सटीक लाइन और लेंथ के साथ कसी हुई गेंदबाजी का मुजाहरा किया इरशाद ने, अपने तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाया। साइम अब आए हैं, साइम जो कि एक बड़े बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाज,
स्ट्राइक पर शाहिम। लोअर थ्री की टीम इस वक्त बेहतरीन और मुतवाजन, और मसला की भी टीम मुतवाजन नजर आती हुई। बॉलर सेम मिनहाज, मिनहाज इस जून के बेहतरीन टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा गेंदबाजी करने के लिए आ रहे मिनहाज। जिया और मुबीन के माऊदाद भाई, यानी उनका जिया और मुबीन, इनका ननिहाल मसला है, तो यहाँ पर उनके भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। यकीनन एक बड़ा मौका होगा यहाँ पर इस गेंदबाज के लिए। इस बीच दौड़ना शुरू किया, शॉट पिच, गेंद बेहतरीन अंदाज से वहां पर गेंदबाजी की, गेंद की कोई बैकफुट पर जाकर गेंद को तेज शॉट लगाना चाहते थे, स्वयं बुरी तरह से चूक गए, बाकी का काम विकेट कीपर। मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट है, क्रिकेट ये क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। कहीं से एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे, लेकिन अच्छी वापसी की है मसला के गेंदबाजों ने। यही तो क्रिकेट की खूबसूरती को बढ़ाता है कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एक बड़े हदफ की तरफ जाएगी लोअर थ्री की टीम, एक बड़े टारगेट की तरफ जाएगी, लेकिन एक मसला के खिलाड़ियों में भी प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको बताते हुए इस बीच बेहतरीन शॉट खेला कवर की जानिब, लेकिन अच्छी फील्डिंग। अब थोड़ा सा उत्साह और जोश बढ़ता हुआ मसला के खिलाड़ियों में का, और थोड़ा सा दबाव अब आता हुआ लोअर थ्री के बल्लेबाजों पर। उनको चाहिए कि हर गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट करें। यूसुफ जैसा खिलाड़ी रन आउट हुआ, अरीफ को चाहिए कि अब यहां से अपने बल्ले का मुंह खोले और बड़े शॉट खेलने की कोशिश करें। इस ओवर में तीन गेंद में अब तक एक ही रन दिया, अच्छी बल्लेबाजी। नपी तुली कसी भी लाजवाब उमदा बल्ले गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट और ऊंचा खेल है, कैच होने का खतरा और आउट। यकीनन तारीफ करने वाली इस गेंदबाज की, पहले दो गेंदें डॉट, फिर तीसरे गेंद पर सिंगल और उसका दबाव न झेल पाए लोअर थ्री के बल्लेबाज, सीधा कैच। विकेट लेने के बाद मसला क्या हौसले बुलंद, क्या क्रिकेट खेलते हुए दोनों बी टीम में। पहले बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, अब गेंदबाजी और फील्डिंग। अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान जिमाद, जिमाद खुद कप्तान जिमाद, जिनकी कायदाना सलाहियत की बदौलत उनकी टीम ने तेलंगाना में पहला इनाम हासिल किया था, वही जिमाद। इस बीच जोन में विकेट लेने के बाद हौसले बुलंद, बैकफुट पर गए, जोरदार शॉट जरूर खेला है लेकिन सीधा फील्डर के पास। अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर की खास बात रही। इस मुकाबले में, इस कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, इस खेल में कुछ मोड़ लेते हुए कहानी, क्योंकि बेहतरीन अंदाज में वापसी की है मसला के खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने, उनको साथ मिला उनके खिलाड़ी फील्डरों का। आखिरी गेंद 1-2, अच्छी गेंदबाजी, आखिरी गेंद लगे। इस ओवर में सिर्फ दो रन दिया, एक विकेट हासिल किया है, उनके हौसले बुलंद आसमान को छूते हुए। इस बीच बेहतरीन शॉट खेला जिमाद ने, गेंद बॉल लाइन पार कर गई 4 रन। कप्तान ने आते ही अपने बल्ले का मुंह खोला और जायाना शॉट खेला, गेंद दो खिलाड़ियों के बीच से जाती हुई बॉल लाइन पार कर गई 4 रन। और ये 4 रन अहमियत के हामिल है, ये 4 रन उनके लिए कारामद साबित हो सकते हैं, क्योंकि रन दरकार है। इन चारों के साथ स्कोर पहुंचा 47 रन 4 ओवर के इख्तिताम पर। जिया मेरे साथ यहाँ पर सवाल उठे हैं, मैं एक्सपर्ट कमेंटेटर, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पहले दौर में 34 रन आए थे लेकिन उसके बाद दो ओवर में सिर्फ 14 रन दिया, दो खिलाड़ियों का आउट किया, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि क्रिकेट में कभी भी उतार चढ़ाव होते रहेगा, अगर गेंदबाजी अच्छी करेंगे तो वापसी होगी, उसी तरह से मसला वालों ने वापसी की है। अभी आखिरी के 2 ओवर में देखते हैं क्या होता है, 60-70 रन का मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट मिलेगा। यकीनन एक वक्त लग रहा था कि तो मसला की टीम तूफान में फंसी हुई, और किसी के शायर के बकौल कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, और दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, लेकिन यकीनन कश्ती भंवर में फंसी हुई ये भी मामूदाद भाई, यानी सारे यहाँ पर जो आए हैं जी में, वो यहाँ पर दो आए मुबीन और जिया के मामूदाद भाई, और उससे पहले वाले जो मामूदाद भाई थे उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और यहाँ के उनकी अच्छी गेंदबाजी की बदौलत उनके मामूदाद भाई यकीनन खुश हुए होंगे, क्योंकि उनके भाई की अच्छी कारकर्दगी। इस वक्त वलीद
वलीद ये भी मामूजाद भाई है, इस बेहतरीन टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हैं। पहले ओवर की वो अपने कोटे की पहली ओवर और इस इनिंग की पांचवी ओवर की पहली गेंद को फेंकी है। फील्डिंग की जमा एक विकेट कीपर एक स्लिप एक पॉइंट एक एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस बीच हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया। बहुत ही बेहतरीन गेंद नीचे रही लेकिन गेंद बाहर जाती हुई अंपायर ने उसे वाइड करार दिया अपने दोनों बाहें फैलाकर। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 50-51 रन। पांचवा ओवर जारी, ईश्वर की दूसरी गेंद लेकर राइट इससे पहले फेंकी थी राइट ऑफ ओवर द विकेट ऊंचा खेले हैं और सीधा फील्डर के हाथ में खेल गए। कोई गलती नहीं कि क्या फील्डिंग करते हुए क्या गेंदबाजी करते हुए ये खिलाड़ी मसला के तक अपना तमाम तर फंड और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरसरे पेकार लाते हुए अपने टैलेंट के मुताबिक खेलते हुए पूरी तरह से आउटप्लेट करते हुए समीर मुंडे साहब आए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं जी शबाब की जानिब से। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा आपके, न था कोई रौनक बज्म, न था कोई रौनक बज्म आपके आने से पहले, न रहेगा कोई रौनक बज्म आपके जाने के बाद। और इस बीच ऊंचा शॉट खेले हैं जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील करते एक रन हासिल किया, दो रन हासिल किया। जिमाद ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कप्तान के मुताबिक खेलते हुए और यहां पर जिया पलोकर मुंडे साहब का इस्तकबाल करते हुए स्वागत करते हुए फूलों की माला देकर इस बीच अजीब और गरीब अंदाज से खेलना चाहते थे। जिमाद गेंद पैर पर लगकर लौटती हुई चली गई जब तक के विकेट कीपर खुद आकर गेंद को फील करते एक रन आसानी के साथ हासिल किया और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 54। रजी नए बल्लेबाज है रजी, एक बार फिर गेंदबाजी दोनों चुके अंपायर को पार किया। शॉर्ट पिच गेंद बहुत ही बेहतरीन उम्दा सिक्सर, अपने आप को बैक फुट पर गए और ऊंचा खेल गए फील्डर के ऊपर से 6 रन। यूसुफ के भाई सलमान, माफ कीजिएगा यूसुफ के भाई सलमान, कहें जो काम यूसुफ ने अधूरा छोड़ पर गए थे उस काम को बखूबी निभाता हुआ उनका छोटा भाई सलमान अपने बल्लेबाजी के जोर दिखाता हुआ पहले गेंद पर आते ही टूट पड़े गेंदबाज पर, अपने इरादों को जाहिर किया और खेल गए 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर 60 रन। सिक्सर लगाने के बाद उनके हौसले बुलंद, एक बार फिर जोरदार शॉट। पांच ओवर के एकताम पर 60 रन, ओवर इख्तिताम पर ओवर इख्तिताम हो चुका है। आखिरी गेंद छोड़कर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, आखिरी पांचवी गेंद पर सिक्सर लगाया था सलमान ने। पांच ओवर में 60 रन हो चुके हैं। जिया मुबीन यहां पर पांच ओवर के बाद 60 रन हो चुके, जैसे कहा था तुमने कि 60 रन के बाहर अगर जाते मुश्किल हो सकता है, तो अब यकीन है लेकिन कुछ रोक तो लगाई है, कुछ बांध के रखा गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी के बाद में। अभी आखिरी ओवर बाकी है, देखना है 70 रन पर रोक पाते हैं क्या। आखिरी ओवर में 10 रन आना भी एक अच्छी गेंदबाजी कहूंगा। अब्दुल भाई इसके बाद बोलो, मैं नहीं एक अच्छी आवाज सुनने से हम यहाँ पर कासे है क्योंकि अब्दुल भाई की तबीयत कुछ नासाज है। शेवटचा षटक आना मारीचा षटक त्या पहिल्या चेडूमध्ये अतिशय सुरेख असा फटका, अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट, धावची जोरदार अपील पण पंचचा नकारात्मक उत्तर, एक दोन धावसंख्या धावसंख्या होती। माजुर्ना और श्रीवर्धन दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि यहाँ पर टॉस बॉक्स में चले आए, इसके बाद इनका मुकाबला होगा। शेवट से
अतिशय सुरेखाचा फटका मारते चेंडू सरळ जाते उत्तमचा षटकार अतिशय सुरेखाचा फटका जिमाद कर्णधार आहे कर्णधार साजेशी खेळी करताना विजय ऐतिहासिक मैदानावर आपल्या संघाची धावफलक एक मोठा आव्हानाकडे घेऊन जाताना दिसत आहे तो जिमाद आणि या षटकाने धावसंख्या झाली ती 68 पुन्हा एकदा सज्ज होते अतिशय उत्साह उत्साहाने खेळताना पुन्हा एकदा सज्ज जिमाद षटकार मारल्यानंतर पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाजी लासाठी अतिशय यॉर्कर पद्धतीने चेंडू हा चेंडू खोलात टाकला आणि दांडी गोल यावेळी मात्र जिमाद यांची दांडी गोल त्रिफलाचित फलंदाज बाद होतो अतिशय एक लहानशी खेळी पण योग्य खेळी अशी खेळून कर्णधार दंडूत परतला आणि त्याची जागा घेण्यासाठी एक नवीन फलंदाज फलंदाजचं नाव समीर गोलंदाज पुन्हा सज्ज होते फलंदाज बाद केले कर्णधार बाद केला उत्साही वाढलेला आहे अतिशय सुरेखाचा फटका पण खेळू एकच धामेला क्षेत्ररक्षक येऊन अतिशय चपल तुळील टीम का एक 12 खिलाड़ी यहाँ है नहीं तो 2 रन की पेनल्टी होगी तुळील टीम का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर चला है शेवटचा आनावाचा षटक छाती बंद केला अतिशय सुरेखाचा चेंडू जाणार आहे अतिशय लांब चेंडू जातोय षटकार उंच असा षटकार काय फटका मारतोय अतिशय जो थरार आणि जी दहशत युसुफनी दाखवली हेच दाखवणारा त्याचा लहान भाऊ सलमान आणि या षटकाराने धावसंख्या झपाझप वाढत आहेत धावसंख्या होतोय ती 75 शेवटचा चेंडू घेऊन या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन शॉटपिपरचा चेंडू यावेळी मात्र धाव त्याचा प्रयत्न फसतो आक्रमक नंतर याचा प्रयत्न केला होता त्याचा डाव फसतोय बाकीचं काम यष्टी रक्षक पार पडतोय धावसंख्या आहे ती 6 षटकाच्या समेत 75 इरशाद भाई कोई खिलाड़ी है प्राजय बस कुछ पूछना चाहेंगे आपके खिलाड़ी से साहिम भाई यहाँ आ जाए साहिम भाई यहाँ आ जाए एक मिनट बड़ी मुद्दत के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है आइए बस यहाँ पर यहाँ पर लोअर दिल के एक बेहतरीन खिलाड़ी अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं स्वाइम भाई हम उनका इस्तकबाल करते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे बल्लेबाज अच्छे खिलाड़ी लेकिन क्रिकेट है कभी खेल चलता है कभी नहीं चलता है लेकिन जिस अंदाज से आपके बल्लेबाजों ने खासकर यूसुफ सलमान और अयुब ने बल्लेबाज खुद कप्तान जिमाद ने 75 रन बनाए हैं 75 रन ये पिच जो बल्लेबाजों के साजगार जरूर है लेकिन 75 एक बड़ा स्कोर है एक विशाल टारगेट है क्या रणनीति होगी आपकी क्या प्लानिंग होगी जीतने की प्लानिंग ऐसी होगी कि अभी बॉलिंग पे जोर रहेगा हमारा और हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है तो कोशिश रहेगी कि हम लोग रोक सके क्रिकेट है बोल नहीं सकते लेकिन कोशिश रहेगी कि कम से कम रन में उनको रोक सके बिल्कुल सही बात ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट वहां पर जितने भी शायकीन बैठे हैं वो डगआउट को खाली करें मसला के खिलाड़ियों के लिए टीम के लिए डगआउट है ये गुजारिश है आप सबों से मसला के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर जितनी भी टीमें उनके खिलाड़ियों के लिए डगआउट बनाए गए हैं तो जितने भी शायकीन वहां बैठे उनसे गुजारिश है कि मसला के खिलाड़ियों के लिए नशिस्तें खाली करें टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की लोअर दिल के टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए जो कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए साजगार जरूर है लेकिन एक बड़ा विशाल टारगेट रखा है लोअर दिल के बल्लेबाजों ने जो उन्होंने कल तेलंगाना में टूर्नामेंट इसके चैंपियन और एक मसला एक मशहूर टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम दो टीमें बेहतरीन टीमें हैं शायकीन यहाँ पर जुई के शायकीन को अच्छा मुकाबला देखने अच्छी अंपायरिंग सुबह से करते हुए जहूर साहब और जहूर भाई यहाँ पर हैं मैं उनका
वक्त की नजाकत को देखते हुए इसके बाद जो मैच होंगे वो 5 ओवर के होंगे आज के दिन के लिए। इस बात को ध्यान में रख के सारी टीमें, क्योंकि ये आज ये मैच पहले इफ्तिताही तकरीब थी, उसमें मेहमान आए थे और इस टूर्नामेंट को इफ्तिताही तकरीब में वक्त लगा, जिसे कुछ वक्त ये वक्त को मद्देनजर रखते हुए या मैनेजमेंट ने फैसला किया कि आज के दिन के लिए इसके बाद जो मैचेस होंगे वो 5-5 ओवर के होंगे, लेकिन हर दिन हर मुकाबला 6 ओवर का होगा। मसला के कप्तान से गुजारिश है कि अपने 2 सलामी के बल्लेबाज को मैदान पर भेजें, और क्या प्लानिंग होगी मसला की ये आने वाला वक्त ही बताइए, कि उनके पास भी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। और मसला के कप्तान यहां पर चले आए, मसला टीम के कप्तान प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। सलमान जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 सिक्सर लगाए थे, काफी खुश नजर आते हुए बॉन्डर, क्यों ना खुश हो, उन्होंने अपने टीम के लिए बहुत ही कारामद इनिंग खेली थी। मसला के कप्तान यहां चले आए स्टेडियम में, मसला के कप्तान तेज हवा हल्की सी हवा चलती हुई जो कि क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए राहत पैदा करती हुई एक साजगार मौसम मैं कह सकता हूं, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एक साजगार मौसम। और जुई की बस्ती, ये पहाड़ों के दामन में बसी हुई बस्ती, उसके सामने से एक नदी बहती है जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है, और इस बस्ती में यह बेहतरीन खेले जाने वाला टूर्नामेंट इसकी और खूबसूरती को बढ़ाता हुआ। मसला के कप्तान से गुजारिश के स्टेडियम में चले, मसला के कप्तान जिया से मिले, बैट्समैन नेम सुफियान, साजिद स्ट्राइक पर और सुफियान नॉन स्ट्राइक पर, दोनों टीमें यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए लोअर थ्रिल, उन्हें 75 रन बनाए, लेकिन मसला कहते कि हम किसी से कम नहीं, उनके पास भी वो जोश है, उनके पास भी वो टैलेंट है, तो ये टैलेंट का मुकाबला होगा, दो अच्छे टैलेंट के खिलाफ का मुकाबला, दो बेहतरीन टीमों का मुकाबला, एक कल की विजय। ओके स्टार्ट, मुबेन फील्डिंग की जमावट में बता दूं, विकेट कीपर यूसुफ और एक स्लिप, एक पॉइंट और एक शॉट एक्स्ट्रा के ऊपर स्वाइम, फैसल हाफिज साहब शॉट मिड ऑफ पर, इस बीच पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर फैज ने अपनी दोनों बाइक फैलाकर उसे राइट करा दिया, पहली शुरुआत राइट के साथ। यहां पर टॉस के लिए आए मसला और श्रीवर्धन और माजुर्ना, श्रीवर्धन और माजुर्ना दोनों टीमों के कप्तान आए यहां पर हाथ मिलाते हुए, वी आर नाउ इट्स अ टॉस टाइम, द टू कैप्टन ऑफ माजुर्ना एंड श्रीवर्धन अराउंड फॉर द टॉस, दे आर रेडी एंड समीर बाय हैविंग अ कॉइन, समीर बाय टॉस द कॉइन, इट्स हेड एंड माजुर्ना हैव ऑन द टॉस, व्हाट यू हैव डिसाइडेड, फील्ड फर्स्ट, पहले अपने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया, क्या सोचकर आपने, क्या रणनीति है, क्या मंसूबा बंदी है, क्या प्लानिंग है आपकी इस मैच के बारे में? हम यहाँ देखे कि सेकेंड बैटिंग करने वाले के लिए चेसिंग आसानी से हो जाती है, तो हमने भी सोचा है कि पहले फील्ड करते हुए श्रीवर्धन की टीम को इंशाल्लाह 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे, 5 ओवर का मैच है, एक और पावर प्ले रहेगा, तो 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। हाँ, श्रीवर्धन टीम गए गुज़िश्ता साल भी आप आए थे शायद, नहीं आए थे, जसवली की टीम आई थी, माफ़ कीजिएगा, तो पहली मर्तबा आपका यहाँ पर कोई मीन्स आप पहली मर्तबा आए हैं, तो टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग की का फैसला किया है और आपको बल्लेबाजी करने की दावत दी, क्या रणनीति होगी, किस सोच के साथ आप इस मैच के लिए उतरेंगे, पहला मुकाबला इस बेहतरीन टूर्नामेंट में आपका? 75 प्लस मारने की कोशिश करेंगे 15 रन पर ओवर, फर्स्ट टाइम खेल रहे, लेकिन एक दो मैचेस देखे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, 75 रन बनाए तो हमारे पास बॉलिंग अटैक डिफेंड करने के लिए काफ़ी अच्छा है, 15 रन पर ओवर एक पार स्कोर होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच।
अच्छा चलते हैं इस मैच की तरफ। पहले बल्लेबाजी करते हुए लॉर्ड डूल ने 75 रन बनाए थे और उसका 75 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 7 रन बिगर किसी विकेट के मसला। पहला ओवर जारी, पहले ओवर की गेंद, तीसरी गेंद लेकर शॉट में गेंद और बहुत ही अंदाज में पुल किया है, लेकिन जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील करा, खराब फील्डिंग, 4 रन। एक बड़ा टारगेट जरूर है लेकिन इस तरह की फील्डिंग का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है सामने वाली टीम, फील्डिंग करने वाली टीम को, क्योंकि हर रन कीमती होता है। आप फील्डिंग में, फील्डिंग डिपार्टमेंट में भी आपको अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी। इन 4 रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 11 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ईद का जवाब पत्थर से देते हुए मसला की टीम, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि शरीयत अजून संपलेली नहीं आहे, शरीयत आम्ही जिंकणार। या दर्याने उतरलेला संघ मसल्याचा संघ, सलामीचे फलंदाज अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना, इस बीच हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया और फुटबॉल गेंद बेहतरीन अंदाज में अपने कदमों का इस्तेमाल किया, 4 रन। क्या बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, अपने जोर दिखाता हुआ, अपने हुनर को दिखाता हुआ, और ये 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 15 रन। ये मैच नहीं रोमांच का सागर है, क्योंकि जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं मसला की टीम, उन्होंने कहा कि हम किसी से कम नहीं। कहानी में ट्विस्ट आता हुआ, कहानी में मोड़ आता हुआ, पहली ओवर से अटैक करते हुए जो सही प्लानिंग है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस के मुताबिक खेलते हुए किसी इस गेंदबाज को सेटल होने नहीं दे रहे और पहली गेंद से आक्रामक रवैया इख्तियार किया है। यकीनन सही सोच, और जिसकी सोच अच्छी होती है यकीनन वो आगे बढ़ता है। इस बीच इस ओवर में 2 लगातार चौके लगाने के बाद इस बल्लेबाज के हौसले बुलंद, गेंदबाज हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, यॉर्कर लेन की गेंद, एक बार फिर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, नाकाम रहे, बाकी का काम यूसुफ ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ, स्कोर 15 रन। 76 रन के हदफ का पीछा करते हुए 15 रन पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़ना चुके अंपायर फरहत को पार किया, फुल टॉस गेंद जिसको तेज शॉट लगाया है लेकिन सीधा फील्डर के पास, 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 16 रन। लेकिन 16 के औसत से जाते हुए जबकि उनको 12.50 के औसत दरकार है, पहले ओवर में 16 रन बनाए, अच्छा औसत से जाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी सलाहियत, अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा के मुताबिक खेलते हुए यहाँ के क्रिकेट के शायकीन के दिलों को जीतते हुए दोनों टीमें, और क्यों, ये क्रिकेट किस तरह से खेलना है, क्रिकेट की परिभाषा क्या है, इसको समझाते हुए और लॉर्ड डूल के कप्तान से गुजारिश है कि वक्त को जाया ना करें। और अब जो आ रहे हैं और फैसल हाफिज साहब, गेंदबाजी का तजुर्बा है उन्हें, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार से भी गेंदबाजी करते हैं और धीमी रफ्तार से भी गेंदबाजी करते हैं, स्विंग उनके अंदर मौजूद है, दोनों तरफ टर्न करते हैं, वो उनके अंदर कला है, एक आर्ट है, क्या उस आर्ट के मुताबिक गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सारा दारोमदार उनके और अर्शी की गेंदबाजी पर है। लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं मसला, उन्होंने सही रणनीति, सही सोच अपनाई है। ये जो जितनी भी सजावट आप देख रहे हैं, जितने भी रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं, तिरंगे लगे हुए हैं और बैनर्स लगे हुए हैं, ये सब मिनाज आर्ट की जानिब से दी गई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस बीच इस ओवर में पहली मर्तबा शॉर्ट पिच गेंद ऊंचा खेले है और कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए और बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पर यकीनन काबिले तारीफ कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच, कैचेस ऑलवेज विन द मैचेस, और क्या कैच किए, पकड़ लिए वहां पर, यहाँ पर इस अरीब ने, इस होनहार खिलाड़ी ने, पहले बल्लेबाजी अच्छी की और अब अच्छी फील्डिंग करता हुआ ये खिलाड़ी।
पहली विकेट कीमती में मैंने पहले ही कहा था कि हवा के सहारे गेंदों को स्विंग कराते एक तजुर्बाकार गेंदबाज, एक महान गेंदबाज, एक अजीम गेंदबाज, और अब आज आ रहे तो अजीम बल्लेबाज, अजीम खिलाड़ी। तो अब मुकाबला देखने मिलेगा, 50-50 मुकाबला होगा। इरशाद आए हैं मैदान पर, सारी उम्मीदें इस बल्लेबाज से वाबिस्ता मसला के खिलाड़ियों की, और देखना है अपने खिलाड़ियों की उम्मीदों पर किस तरह से पूरा उतरते ही आने वाला वक्त ही बताएगा। ये लहराते हुए झंडे, तिरंगे और ये सजावट इस मैदान की खूबसूरती को बढ़ाता है, और ये सब मिनाज आर्ट की जानिब से दिया गया है। अब कुछ फील्डिंग का मुआयना करते हुए बल्लेबाज फील्डिंग की जमावट, एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, अच्छी फील्डिंग से जाए इसके मुताबिक गेंदबाजी करता हुआ ये ओनियार बल्ले गेंदबाज। इस ओवर में विकेट लेने के बाद उनके हौसले बुलंद, बहुत ही तेज गेंद फेंकी थी वाइट किया, वहां पर वाइट करा देते हुए फहद हाफिज साहब, इनको भी तजुर्बा है क्रिकेट का, बहुत क्रिकेट खेले है दो अंपायर जो है उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिकेट खेले, उनके पास तजुर्बा, अच्छी अंपायरिंग करते, और इस टूर्नामेंट की खास बात मैनेजमेंट और अंपायरिंग, इन दोनों के ताउन और टीमों का ताउन भी रहता है। इस बीच इस ओवर में तीसरी मर्तबा इस बार एक बार फिर अपनी दिशा और लाइन से भटक गए, वाइट पे नियंत्रण नहीं, वाइट पे कंट्रोल नहीं, ये गेंदें उनके लिए यकीनन नुकसानदेह साबित हो सकती है। लगातार दो वाइट के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन, अब जीतने के लिए 58 रन की जरूरत। इस ओवर में एक बार फिर हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया, गेंद गिरने के बाद और बाहर जाते हुए हैट्रिक वाइट की, तीन गेंद वाइड की, विकेट जरूर लिया लेकिन अपने यहां दिशा से भटक चुके हैं, और ये रन इनके लिए कारामत साबित होते हुए मसला के लिए। दोनों भी टीमें काफी मजबूत, जो टीम मैच में दबाव झेलेगी, प्रेशर को झेलेगी वही टीम जीतेगी। ईश्वर में एक बार फिर हमसे दूर भागते हुए दौड़ना शुरू किया, शॉर्ट पिच गेंद घूम करके लाए, गेंद सीधा बॉल लाइन की तरफ जाती हुई, गेंद बॉल लाइन पार करके 4 रन, सही रणनीति, सही प्लानिंग, अपने आप को बैकफुट पर लेकर गए और अपने कदमों का इस्तेमाल किया और देखा कि कोई फील्डर नहीं उस क्षेत्र में, गेंद को खेला 4 रन, इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 23 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज, ये सलामी के लिए आया बल्लेबाज, अपने जौहर अपने फन को दिखाता हुआ। इस ओवर में एक बार फिर फैसल हाफिज साहब दौड़ना शुरू किया, इस बार यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी वापसी, एक ही रन मिलेगा लेकिन खराब थ्रो जिसकी बदौलत एक और रन। इन रनों पर कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण करना होगा एक स्टार्स पर, क्योंकि टारगेट जरूर बड़ा है लेकिन टीम भी बड़ी है सामने। स्कोर पहुंचा 25 रन, 3 गेंदे बाकी, 9 गेंदे हो चुकी है, अब इस ओवर की 3 गेंदे बाकी है, स्कोर है 25 रन, अब जीतने के 51 रन की जरूरत। और 27 गेंदे और 51 रन, एक मुकाबला बैलेंस नजर आता हुआ, दोनों भी टीमें फतह के लिए जूझती हुई, लड़ती हुई, जद्दोजहद करती हुई। अच्छी गेंद इस बार अपनी रफ्तार को धीमा कर दिया, चकमा खा गए बल्लेबाज, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, हर ब्राट जरूर होगी, थोड़े से खिलाड़ी फंबल जरूर होते फील्डर, लेकिन कोई रन नहीं मिला। स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन, अब जीतने के लिए 26 गेंदे और 51 रन। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, दिलों की धड़कने तेज हो जाएगी, क्योंकि ये क्रिकेट है और क्रिकेट एक दिलचस्पी को बढ़ाता है। दोनों भी टीमें अपने टैलेंट के मुताबिक खेलते हुए इस खूबसूरत मैदान पर। इस बीच यॉर्कर लेन की गेंद, तेज शॉट सीधा फील्डर के पास, क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए फैसल हाफिज साहब, जरूर 3 वाइड फेंके थे, 1 चौका जरूर गया था लेकिन अच्छी वापसी, यही एक महान खिलाड़ी की निशानी है, अच्छी वापसी। अब 25 गेंदे और 51 रन, दोनों भी टीमें फतह के लिए जूझते हुए, लड़ते हुए, और दोनों टीमें अच्छा क्रिकेट दिखाते हुए इस मैदान पर। इस बीच इस ओवर में आखिरी मर्तबा अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर विकेट कीपर को चकाती हुई गेंद, बॉल लाइन पार कर गई 4 रन, बॉल लाइन पार कर गई 4 रन, ये रन कारामत साबित हो सकते हैं। आखिरी गेंद पर चौका, 29 रन 2 विकेट पर। दो और एक स्कोर है 25 रन, जिया मैसा एक्सपर्ट कमेंटेटर 29 रन,
और टारगेट जो है 76 रन का है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मसला की टीम इस अंदाज से अगर बल्लेबाजी करेंगे, इस रन रेट से अगर जाएगी तो यकीनन जीत सकती है टीम। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति होगी ब्लोअर थ्रिल की बाकी के चार ओवर में? अभी जो गेंदबाज आए हैं अर्शी, इनका नाम बहुत सुना है, देखिए इस ओवर में ही समझेगा कि हम आगे का मैच कैसा जाता है, तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन अच्छा टारगेट चेस कर रहे हैं और बल्लेबाज वहां पर इरशाद है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक इरशाद वहां पर है ये टारगेट बहुत इजी नजर आ रहा है। शुक्रिया जिया। और अर्शी एक उभरते हुए खिलाड़ी, अर्शी के मानिए सूरज की पहली किरण। क्या सूरज की पहली किरण अपने टीम के लिए रोशनी बिखेरेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा क्या अपने टीम में रोशनी वापस लाएगा ये गेंदबाज। तेज रफ्तार तेज रफ्तारी से गेंदबाजी करना इनका मशगला है। क्या गेंदबाज है, मैं क्या कहूँ इस गेंदबाज के बारे में, मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। मेरा स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट कि जितनी भी तारीफ, मेरे को एक शागिर्द मेरा मेरे सामने उसके बारे में मैं कुछ कह रहा हूँ, उसकी तारीफ करो, एक मेरे लिए एक काबिले फक्र मौका है। और ये होनहार खिलाड़ी यकीनन अगर अपने टैलेंट के मुताबिक गेंदबाजी करेगा तो उनकी टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। बहुत ही तेज गेंद रफ्तार से फेंकी हुई, क्या लाइन और लेंथ बरकरार रखी, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यही तजुर्बाकार खिलाड़ी का फायदा होता है। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है इरशाद, दूसरे बल्लेबाज की सही सोच देखा कि तेज गेंद ने अपने हाथ हल्के हाथों से खेला, दिफाई अंदाज से खेला, कोई खिलाड़ी नहीं था, खुद गेंदबाज जब तक जाते तब तक दो रन हासिल किए। वाकई में लाजवाब खेल पेश करते हुए मसला के भी खिलाड़ी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा इस मैच की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। सुबह की बनिस्बत शायकीन की तादाद में इजाफा होता हुआ दो बेहतरीन टीमें जूझती हुई जद्दोजहद करती हुई लड़ती हुई, और इसमें किसी एक टीम को फतह जरूर मिलेगी, लेकिन जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ के शायकीन के दिलों को जीतते हुए, बाजी चाहे कोई मैच कोई भी जीते लेकिन दिलों को जीतना बड़ी बात होती है। ईश्वर में एक बार फिर अर्शी तेज रफ्तार से गेंद, कितनी तेजी से गेंद फेंकी है अर्शी ने, तेज रफ्तारी से गेंद फेंकते हुए अर्शी, अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज। तीसरे ओवर की दो गेंदें हो चुकी है, स्कोर 32 रन हो चुका है। अब जीतने के लिए 44 रन की जरूरत। ये तेज गेंदबाज अपने हुनर को दिखाता हुआ इस जुई के ऐतिहासिक मैदान पर, इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर दो गेंदें तेजी से फेंकी हुई थी, वही गेंदबाज गेंदबाजी करता हुआ यार कर लेंगे गेंद। क्या खूबसूरत गेंद, शोएब अख्तर की तरह गेंदबाजी करते हुए, यकीनन काबिले तारीफ गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, तालियां बजाकर इस गेंदबाज की तारीफ करना जरूरी है। अतिशय सुरेखा से गोलंदाजी करता ना, हाँ तुड़ीलता एक स्टार खिलाड़ी, चमचमता खिलाड़ी, आपने चमक दाखवता ना तुड़ी जुईच्या या ऐतिहासिक मैदानावर, वेग वेग आणि फक्त वेग आणि वेगाने चकवा त्याला यश येतो। पुन्हा एकदा सज्ज होतंय पंचाच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करणार तो इरशादला, शॉटपीट पद्धतीने अतिशय सुरेखसा अशी गोलंदाजी, काय गोलंदाजी करत आहे, खरोखर कौतुकास्पद गोलंदाजी या गोलंदाजाकडून, काय टॅलेंट आहे, काय गुणवत्ता आहे, आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना हा तुडीलचा स्टार चमचमता खेळाडू। आणि सामन्याचं समीकरण अतिशय सुरेख गोलंदाजी केल्याने या सामन्यामध्ये पुनरागमन करता तुडीलचा संघ। शेवटचे दोन चेंडूचे लग पुन्हा एकदा सज्ज होते पंचाच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी करणार इरशाद, आणि यावेळी मात्र चेंडू वाईट घोषित करण्यात येत, सुवेर चेंडू आणि नो बॉल, बीमर चेंडू फेकला होता तो अर्शी याने, आणि पंचने फ्री हिट घोषित केला। आता एक चांगली संधी इरशाद कडे चालून आलेली आहे, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, पण इरशाद एक उत्कृष्ट असा फलंदाज, आक्रमक फलंदाज, आणि जर इरशाद या सामन्यामध्ये आक्रमक खेळून आपल्या संघाला जर तुफानी खेळ करून आपल्या संघाला विजय करू शकते, याच्यामध्ये एक
पुनः दादी सूर्य कसा फटका वाली मारते उंच असा षटकार का फटका मारते चेंडू सरळ बॅटच्या मध्ये येतोय आणि उंच उभे असा मिड विकेटच्या डोक्यावरून षटकार खेळाडूच्या डोक्यावर अतिशय सुंदर असा षटकार. स्कोर 40 धाव संख्या पोहोचली आहे ती 40. काय सामना रंगत आहे रंगतदार सामना. कधी सामना तुरीलच्या संघाच्या बाजूने फिरतात कधी मसला या संघाकडे झुकताना दिसत आहे. अतिशय सुरेख क्रिकेट अतिशय चांगलं क्रिकेट खेळतात दोन्ही संघ. पुन्हा एकदा अर्शी अतिशय यॉर्कर पद्धतीने चेंडू यावेळी खोलात टाकतोय आणि सन्मानजनक खेळताना आपल्या दिसत आहे फलंदाज. एकच धाव मिळणार एक धावसंख्या धावसंख्या होती ती 41. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर 41 धावा. आता जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज 18 चेंडू. सामन्याचं समीकरण अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी केली करत आहेत ते मसलाचे खेळाडू. दोन्ही फलंदाज इर्शाद अनुभवी खेळाडू आहे आपल्या अनुभवाचा वापर करताना मैदानावर. जिया तीन षटक तीन ओव्हर के बाद स्कोर है 41 रन. हाँ अब्दुल भाई तीन ओवर के बाद स्कोर है 41 रन. अब जीतने के लिए तीन ओवर में 35 रन चाहिए 12 का औसत क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ मैच 50-50 अभी तक कुछ कह नहीं सकते. दोनों संघर्ष में टीमें देख रहे. इरशाद एक तरफ अच्छा खेल रहे हैं. मैंने पहले कहा था कि जो टीम अच्छा फील्डिंग करेगी क्रिकेट में आपको मालूम है चार चीजें रहती है. मैंने पहले कहा सिर्फ आप 5-6 छक्के 10 छक्के मार के नहीं रहता आपको कैचेस पकड़ने पड़ते हैं आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ती है. ये चौथा हिस्सा है और पांचवा हिस्सा चीटिंग रहती है क्रिकेट में कि आप एक को दो बनाए दो को तीन बनाए अच्छे हार्ड कैचेस पकड़े तब जाके मैचेस जीते जाते हैं. और हालत लोअर तुरीन ने जो लेग बाय गया था थर्ड मैन की जानिब जो 4 रन वो मुश्किल साबित होगा. लोअर तुरीन फील्डिंग जो कॉम्बिनेशन किया है देखो साइम के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट पॉइंट की तरफ एक ये क्या लाल टी शर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ ये जो फील्डिंग थी ये जब यूसुफ क्लोज थे विकेट कीपर जब यूसुफ क्लोज थे तो उनको थर्ड मैन डीप निकालना चाहिए था ताकि वो चौका रुके. इस बीच राइट आर्म ऑफ द विकेट शॉट अच्छा शॉट यकीनन 6 रन परफेक्ट शॉट. देख इतनी लूज गेंद इतनी शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे गए उसको पुल किया सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन. कोई मौका नहीं हाफिज साहब को था वहां सीधे 6 रन. इस 6 के साथ सिर्फ 31 रन. मैंने पहले कहा था मसला को मसला महान टीम है एकदम महान बड़ी टीम और वो बड़ी टीम लेकिन तुड़ील इतनी बड़ी नहीं मसला के अगेंस्ट लेकिन एक संघर्ष किया है लोअर तुड़ील ने एक फाइट दे रही है मसला को फाइट देना उनके लिए एक महान है और यकीनन अच्छी उन्होंने फाइट दी है. इस बीच यूसुफ शॉट दिस इज द परफेक्ट शॉट बॉलर बैक ट्रैल क्रिकेट का सबसे अच्छा शॉट 6 रन. और जो फैसल हाफिज साहब के पीछे जो शायकीन बैठे हुए हैं प्लीज जो बाउंड्री है उसके पीछे बैठे आप लोग बाउंड्री के अंदर बैठे हैं ग्रीन पर्दे के पीछे प्लीज. बड़ा शॉट इरशाद हर वक्त मायनाज बल्लेबाज है किसी को बख्शते नहीं बड़ा खिलाड़ी है ये एकदम बड़ा खिलाड़ी अच्छे शॉट खेले. मैंने पहले कहा था जो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी थोड़ी आवाज बैठी थी अच्छा शॉट देखना है कितने मिलेंगे. इरशाद तेज भाग रहे हैं देखना एक को दो में बदलते कि नहीं लेकिन जिमात की अच्छी फील्डिंग. अब कितने गेंद है कितने रन है स्कोरर प्लीज 54 हुए बाकी कितने 22 कितनी गेंदे बाकी ये ओवर की सिर्फ 2 गेंदे बाकी 22 रन 14 गेंदे 22 रन. अच्छी गेंद स्लोअर गेंद की थी बीत हुए बल्लेबाज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई सीधे विकेट कीपर के पास साइन के पास. स्कोर में कोई वृद्धि नहीं. यूसुफ एक महान खिलाड़ी एक्सपीरियंस है उनके पास लेकिन प्रैक्टिस नहीं उनके लिए जैसे सेम फैसल मौलाना के पास प्रैक्टिस नहीं थी कंटिन्यू बैक टू बैक 3 वाइड डाले. इस बीच यूसुफ की गेंद अच्छी गेंद वाकई बीत हुए गेंद बल्लेबाज और ओवर वाकई कीपिंग भी साइन ने अच्छी की वन हैंड में कलेक्ट किया मुश्किल था यकीनन चौका था. अब 12 गेंदे 22 रन
इस मैच के बाद जो मैच होगा बड़ा मैच बांसुरों में वर्सेस श्रीवर्धन एक बड़ा मैच होगा। पिछले साल की विनिंग टीम जसवेल थी, अच्छा क्रिकेट खेला था, यहां सेमीफाइनल में शायद मानगांव थी सेमीफाइनल में एक बड़ा मैच हुआ था, लेकिन मसला थी सेमीफाइनल में, मसला फाइनल में थी जसवेल के सामने, और शायद मीरान ने काफी अच्छी बैटिंग की थी, 6-7 छक्के लगाए थे। इस बीच अर्शी के बारे में बताऊं मैं मैनेजमेंट को और यहाँ के शाकिन को, एक उभरता हुआ खिलाड़ी, अच्छी बॉलिंग उनकी, उनके स्टेप देखो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, शॉर्ट पिच गेंद, अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट, बड़ी फील्डिंग सरोज की, एक ही रन मिलेगा, बड़ी अच्छी फील्डिंग, यही आपको क्रिकेट जिता के देगी। अगर आप फील्डिंग अच्छी करते हैं यकीनन मैचेस जीत सकते हैं। ये 4 रन जो लेग बिफोर गए थे यूसुफ के पीछे और 3 वाइड फैसल हाफिज साहब के, ऐसे 7 रन, और ये अर्शी ने गलत नो बॉल डाली थी, बहुत हाइट थी उस गेंद में। इस बीच अर्शी बड़ा अच्छा मैच शॉट, अच्छा शॉट, खराब गेंद, 4 रन, लूज गेंद डाली थी, बड़े एक्सपीरियंस अंपायर यहां फहद और इकबाल अच्छा अंपायर, अच्छा कमेंटेटर कब जाके कहलाता है, जब बड़ा एक्सपीरियंस हो, खुद खेले भी और खुद मैचेस देखे भी टीवी के ऊपर, तब जाके अंपायर और कमेंटेटर बनते हैं। आसान नहीं रहता कमेंट्री देने के लिए, हर गेंद कहां पे पिच होती है, बॉल कहां पे पिच होती है, फील्ड प्लेसमेंट कहां पे है, ये सब कमेंटेटर को मालूम होना चाहिए। अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल अंपायर का इशारा, अंपायरिंग करना कोई आसान चीज नहीं रही थी, डर रहता है कि मेरे हाथ से कोई गलत डिसीजन तो न जाए, लेकिन क्रिकेट में होते रहता है। अर्शी सामने बल्लेबाज, शॉट, अच्छी बॉल, यस, साफ बॉल हुए, देखना है मैन ऑफ द मैच को लेके जाता है इरशाद अर्शी के यूसुफ, विनर ऑफ द मैच बता दो कमेंट, स्कोरर कितनी गेंदे कितने रन, स्कोरर 9 गेंदे 16 रन, तकरीबन 12.5 का औसत, जितना आपको शुरुआत से था 12 का एवरेज, वही एवरेज बरकरार है। एक दो गलत गेंदे मैच को बदल सकती है, और एक दो अच्छी गेंदे मैच को पलट सकती है। 9 गेंदे 16 रन, बड़ा अच्छा मैच। यूसुफ के अलावा डीप थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, यहां साइम एक्स्ट्रा कवर, सलमान लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे, फैसल हाफिज साहब मिड विकेट के ऊपर, एक मिड ऑन के ऊपर सरोज, लॉन्ग लेग के ऊपर एक खिलाड़ी, अर्शी के हाथ में गेंद। अगर अर्शी 3 गेंदे में 3 रन देते हैं तो मैच बदलेगा, आखिरी ओवर में 13-14 रन इतना आसान नहीं होगा, एक प्रेशर रहता है अच्छे मैच में, बड़े बड़ों के पाव डगमगाते हैं क्रिकेट खेलने में। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नाम क्या है, अरसलान, शॉट खेला है, देखना जिमात गेंद के नीचे, एक रन यकीनन मिलेगा, दूसरा रन भी था, लेकिन इरशाद ने खुद के पास स्ट्राइक लेने की कोशिश किया है कि मैं स्ट्राइक ले लूं, ताकि वो छक्का लगाकर मैच को क्लियर करे। देखना अर्शी कौन सी गेंद डालते हैं, यॉर्कर ऑफसाइड के बाहर, या कौन सी एक्स्ट्रा रन देंगे, यकीनन मैच जाएगा। अर्शी अगर इरशाद का विकेट लेते तो रिजवान की तरफ से 100 रुपये। भाई एक बड़ा मैच, शायकीन इस जुई के ग्राउंड पे, मैं ग्राउंड की तारीफ फिलहाल नहीं कर सकता, मैं कल करूंगा इंशाल्लाह, आज थोड़ा बीमार हूं। इस बीच यस परफेक्ट शॉट,
लेट सरोज, सरोज लेट आए एक रन, दूसरा रन भी आसानी से सरोज गेंद के ऊपर लेट आए, लेकिन दो रन तो थे। सात गेंदे 13, सर जी 13, सात गेंदे 13 रन, मैच मैं तो कहूंगा 58% मसला के हाथ में, 58 और 42% तुड़ीर के हाथ में। इरशाद का विकेट लेते हैं तो मैच बदलेगा यकीनन। अच्छी गेंद, यस इरशाद महान खिलाड़ी, साबित किया उन्होंने कि मैं महान हूं, मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं बड़ा बैट्समैन हूं। 6 गेंदे 6 रन, छह गेंदे 7 रन। हफीज साहब आपके वाइड, आप वाकई महान बॉलर है, सारी दुनिया जानती है कि आपके आगे कोई नहीं, पर आखिरी गेंद में तो छक्का लगा इरशाद का। इरशाद एक महान बल्लेबाज, टीम को अपने बुलंदियों तक जीत की तरफ मसला। इस मैच के बाद जो मैच होगा श्रीवर्धन वर्सेस मांजरोना, बड़ी टीमें दोनों, 6 में 7 और कंपलसरी चेस, नो सुपर ओवर, नो टॉस, नो एनीथिंग, नो सुपर बॉल, यस अच्छी गेंद नहीं, और ये 4 रन, टोटल 5, खराब गेंदबाजी। मैंने पहले कहा था, 2 दिन पहले हमारे गांव में एक चौराहे पे मैं बैठा था, बोलो फैसल हाफिज साहब अच्छे बॉलर, लेकिन मैंने कहा वो 2 खिलाड़ी थे हमारे साकिब के, फैसल हाफिज साहब वाकई महान गेंदबाज है, पर उनको प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस न रहने की वजह से वो वाइड डालेंगे, और वही साबित हुआ कि उन्होंने वाइड डाले और मैच में अब शिकस्त की तरफ, फिर एक बार वाइड, अब 6 गेंदे और ये रन भी बाई के रूप में, और इसी के साथ मसला ने ये मैच जीत लिया। बेस्ट ऑफ लक का फॉर नेक्स्ट मैचेस, और आगे का आंखों देखा हाल हमें एमजे सुनाएंगे इंशाल्लाह। मसला की टीम यहाँ जीती है, जीतने वाली टीम को मुबारकबाद और हारने वाली टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। मैं मसला के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि स्टेडियम में चला है। मसला के कप्तान, वाकई में क्या बल्लेबाजी की इरशाद ने, मैं पहले ही कहा था कि इरशाद बेहतरीन बल्लेबाज है, अकेले अपने बल्लेबाजी के दम पर अपने टीम को फतह से इमकिनार किया।